गाड़ियों को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम कार्डियो करते क्यों हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि हम ज्यादा फैट बर्न कर पाए? नहीं, हमारा जो मेंटालिटी है कार्डियो की तरफ वही गलत। हम कार्डियो करते हैं अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे हम वेट ट्रेनिंग करते हैं अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए, अपने मसल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि वेट बढ़ाने के लिए। हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी हमें सुपर कॉम्पनसेट करता है, हमारा वेट बढ़ता है, क्योंकि हम मसल को ओवरलोड करते हैं, हमें भूख ज़्यादा लगती है, हम ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं इसके वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है और वेट हमारा बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम कार्डियो को इफेक्टिवली करेंगे तो हमारा जो फैट लॉस है वो बहुत तेज़ी से होगा और बहुत अच्छे से होगा। तो मैं आज यही बताने वाला हूँ कि आप कार्डियो को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, और मैं वीडियो के एंड में कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा अपने बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिमूव करने के लिए। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लोग गलत क्या करते हैं। लोग गलत ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा देर तक कार्डियो करेंगे तो उनका ज़्यादा कैलोरी बर्न होगा जो रिजल्ट करेगा ज़्यादा फैट लॉस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक कार्डियो करेंगे तो आपका जो बॉडी है वो प्रोटीन को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करने लगता है, और जो मसल है उसको ब्रेक डाउन करता है एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करने के लिए, और ये जो मसल ब्रेक डाउन है वो रिपेयर नहीं होता है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर आप बॉडी को वापस प्रोटीन देते हैं, बॉडी में प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं, तो आपका जो मसल ब्रेकडाउन है कार्डियो के वजह से वो आपका रिपेयर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो मसल ब्रेकडाउन कार्डियो में होता है वो बहुत ही कम होता है, और बॉडी को समझ में नहीं आता कि उसको रिपेयर भी करना है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। आपके पास एक कार है, कार के लेफ्ट साइड में आपका एक छोटा सा स्क्रैच लग गया है, तो आप उसके वजह से पूरी कार को वापस पेंट तो कराएंगे नहीं। अगर लेफ्ट साइड में पूरा पेट उखड़ गया तब आप जाकर उसको वापस पेंट कराएंगे। ठीक इसी तरह बॉडी के लिए ये जो मसल ब्रेकडाउन है वो एक स्क्रैच की तरह है, और बॉडी इसको रिपेयर करना ज़रूरी नहीं समझता है। तो जो वो मसल ब्रेकडाउन होता है वो धीरे धीरे आप ज़्यादा कार्डियो करते रहेंगे तो वो ब्रेकडाउन रिपेयर नहीं होता है, और मसल आपका लूज़ होते रहता है और वो बहुत वीक हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका मसल लॉस होता है, आपका BMR लो होता है, और लो BMR का मतलब है कि अगर आप रेस्ट में कैलोरी बर्न करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं उसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो रिपेयर क्यों हो जाता है? वो इसलिए रिपेयर होता है क्योंकि आपका जो मसल है वो वेट के ओवरलोड से मसल ब्रेकडाउन होता है, और बॉडी को फोर्स किया जाता है कि उसको रिपेयर करे, क्योंकि बॉडी को समझ में आता है कि उसको और मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी ट्रेनिंग क्या है, बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है। तो आप जितना उसको स्ट्रेस देंगे बॉडी अपने आप को उतना ज़्यादा मजबूत करते रहेगा, ओवरलोड करेंगे बॉडी मजबूत करेगा, लेकिन कार्डियो से बॉडी मजबूत नहीं होता, आपका मसल लॉस होता है, आपका मसल वीक होता है। तो इससे मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप कार्डियो को लंबे समय तक मत कीजिए, आप कार्डियो को छोटा रखिए और उसको इफेक्टिव बनाइए। दूसरी चीज़ ये है कि लोग सोचते हैं अगर वो खाली पेट कार्डियो करेंगे तो उनका बॉडी फैट को ज़्यादा जल्दी बर्न करेगा, क्योंकि उस वक्त बॉडी कार्ब्स डिप्लीटेड रहता है और बॉडी फैट्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने लगता है, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन फिर अगर आप इसको लंबे समय तक करेंगे तो फिर आपका जो प्रोटीन यूसेज है, प्रोटीन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने लगता है बॉडी, और इसका जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें आपका मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जो उपाय है वो ये है कि अगर आप खाली पेट कार्डियो करते हैं तो मैक्सिमम 25 से 30 मिनट तक कार्डियो कीजिए, और वीक में एक बार या फिर दो वीक में एक बार आप खाली पेट कार्डियो कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि लास्ट पॉइंट बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, तो ये है कि आप कोशिश कीजिए अपने कार्डियो को लो इंटेंसिटी में रखने की। इससे क्या होगा, आपका कैलरी कम बर्न होगा लेकिन जो फैट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बर्न होगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप वीक में हर दिन कार्डियो मत कीजिए, इससे आपका मसल लॉस होगा, आपका BMR बहुत ही लो हो जाएगा, और इससे आप कैलरी कम बर्न करेंगे इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग। और अगर आप बिगिनर है और आपको फैट लॉस करना है तो आप वीक में 3 दिन वेट ट्रेनिंग और 3 दिन कार्डियो को डेडिकेट करना ही करना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है आपके फैट लॉस के लिए। आपको कार्डियो कितने देर तक करना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके मैक्सिमम हार्ट रेट को आप कितना छूते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 60-65% मैक्सिमम हार्ट रेट तक जाइए, उसके ऊपर मत जाइए क्योंकि ये नुकसान भी आपको पहुंचा सकता है। और अगर आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस हैं तो आप 4 दिन वेट ट्रेनिंग और 2 दिन कार्डियो, या फिर 5 दिन वेट ट्रेनिंग और 1 दिन कार्डियो करना ही करना, ये आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ को बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा, और इससे आपका फैट बर्न ज़्यादा होगा, बहुत जल्दी होगा और बहुत ही इफेक्टिवली होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।